नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी बनाने के अज्जा: प्याज एक मीडियम साइज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, टमाटर 4, आलू 2, गाजरें 2 मीडियम साइज, छिले हुए मटर 1 प्याली, और ऑप्शनल सब्जियों में आप 2 शिमला और 1 गोभी का बंच या फिर 2 कद्दू और 2 लौकी क्यूब्स में काट के शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़ायका। मिक्स सब्जी बनाने का तरीका: सबसे पहले एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें और इसमें 1 प्याज बारीक कटी हुई शामिल करके फ्राई कर लें। जब प्याज लाल हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का शामिल करें। जब अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो चूल्हे की आंच हल्की करके इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करें और अच्छे से भूनें। याद रहे कि ड्राई मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए आंच हल्की करके बहुत एहतियात से इन मसालों को भूनना है। मसाले भूनने के बाद इसमें 4 टमाटर छिलके के बगैर क्यूब्स में काट के शामिल करने हैं। टमाटरों का छिलका उतारने का तरीका: एक कुकिंग पॉट में इतना पानी शामिल करें कि तमाम टमाटर उनमें डूब जाएं। जब पानी खौलने लगे तो चारों टमाटर के बॉटम पे क्रॉस का निशान लगा के 1 से 2 मिनट के लिए खौलते हुए पानी में टमाटर शामिल करें। 1 से 2 मिनट के बाद टमाटरों को पानी से निकाल लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब टमाटर ठंडे हो जाएं, तो इनके छिलके उतार के इनको क्यूब्स में काट के या अपनी मर्जी की शक्ल में काट के इस्तेमाल करें। टमाटर शामिल करने के बाद इसमें 2 आलू क्यूब्स में कटे हुए, 2 गाजरें मोटे स्लाइस में कटी हुई और 1 प्याली मटर शामिल कर दें और साथ ही 1 गिलास पानी शामिल करके पैन कवर करके इन सब्जियों को गलने के लिए छोड़ दें। आप मिक्स सब्जी में कोई भी सब्जी शामिल तब करें जब ये तमाम सब्जियां गल जाएं, क्योंकि अगर हमने तमाम सब्जियां एक साथ शामिल कर दी, मसलन शिमला और गोभी भी हमने इसी वक्त पर शामिल कर दी, तो जब तक हमारा आलू, गाजर और मटर गलेगा तब तक शिमला और गोभी हलवा बन जाएगा। इसलिए हमने पहले इन तीनों सब्जियों को गलाना है। जब आलू, मटर और गाजर गल जाएं, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी शामिल कर दें, चाहे वो शिमला और गोभी हो या फिर लौकी और कद्दू हो। वो शामिल करने के बाद मज़ीद 5 से 7 मिनट का दम दें। हरी मिर्चों और धनिए से गार्निश करें और मिक्स सब्ज़ी को अच्छे से भून लें, यहाँ तक कि हमने जो इसमें ऑयल शामिल किया था वो वाज़े होने लगे। जब वो ऑयल वाज़े होने लगे तो हमारी सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी मिक्स सब्ज़ी। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।